Good morning, students. In our English primer book, today we will read chapter 13, that is use of the. Use of the. In previous video, we have learned how to use a and n. Today we will use the use of the. The is used to specific a particular thing. What is the meaning of particular? Particular means something special. कोई एक चीज, कोई एक विशेष चीज जो होती है उसके लिए हम यूज करते हैं पर्टिकुलर थिंग. लाइक दिस इज द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट, व्हाई वी आर यूजिंग द बिफोर द रेड फोर्ट? बिकॉज रेड फोर्ट इज अ मॉन्यूमेंट, अ ओल्ड बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग दैट इज अ वन ओनली इन द इंडिया और इन द वर्ल्ड. तो देर आर सम रूल्स विच वी हैव टू लर्न बिफोर यूजिंग द, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. लेट्स सी. द इज यूज बिफोर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. द कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर नाउन और बिफोर प्लूरल, बोथ, दोनों के लिए ही यूज किया जाता है, भले ही सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. द इज यूज अ थिंग दैट इज ओनली वन इन इट्स काइंड, ऐसी कोई चीज जो यूनिक हो, जो एक हो, पूरे विश्व में एक ही जो चीज हो, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं. जैसे सन, ईस्ट, मून, स्टार्स से पहले नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्स तो कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं. लेकिन अगर हम एक स्टार की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्टार, पर्टिकुलर स्टार, लाइक पोल स्टार. स्टार का क्या नाम है? पोल स्टार. पोल स्टार इज अ सिंगल वन, इसलिए पोल स्टार का नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? द पोल स्टार. लेकिन क्योंकि स्टार बहुत सारे होते हैं तो केवल हम लिखेंगे स्टार, तो हम द का यूज नहीं करेंगे. सन सिंगल वन होता है पूरे वर्ल्ड में. मून, अर्थ, ओके, सीज, रिवर्स, जिनके सिंगुलर नेम होते हैं, जो स्पेसिफिक पूरे वर्ल्ड में एक ही होती है, उससे पहले हम द का यूज करते हैं. इसके अलावा द इज यूज बिफोर होली बुक्स एंड ओल्ड फेमस बिल्डिंग्स. होली बुक्स जो हमारी कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, महाभारत, ये जितनी भी हमारी होली बुक्स होती हैं, उन सबसे पहले भी द का यूज किया जाता है. फेमस बिल्डिंग्स लाइक रेड फोर्ट, ताजमहल, ओके, आगरा फोर्ट, आमेर किला, हवा महल, इन सबसे पहले भी हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. यू हैव टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द. रेड फोर्ट क्या है? रेड फोर्ट इज अ ओल्ड फेमस बिल्डिंग. तो ओल्ड फेमस बिल्डिंग से पहले क्या यूज किया जाता है? द. देन व्हाट विल यू राइट हियर? द. नेक्स्ट इज गीता. व्हाट इज गीता? गीता इज अ होली बुक. हमने क्या पढ़ा अभी? होली बुक से पहले क्या यूज करेंगे? द. द नेक्स्ट इज मून. मून इज अ वन काइंड ऑफ थिंग, एक ही तरह की चीज पूरे यूनिवर्स में. यहाँ क्या यूज होगा? द. अर्थ. अर्थ भी एक है. वेस्ट क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दीज फोर आर द डायरेक्शंस. और हर डायरेक्शन क्योंकि एक ही है, इसलिए हम उससे पहले भी द का यूज करेंगे. गंगा. गंगा इज अ रिवर. गंगा इज अ होली रिवर. गंगा एक ही नदी का नाम है, तो इससे पहले भी द का यूज होगा. बिफोर द न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स के जो नेम्स होते हैं उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है. जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द नवभारत टाइम्स, द हिंदू, इसी तरह से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनसे पहले भी द का ही यूज किया जाता है. ताजमहल. ताजमहल क्या है? ताजमहल इज अ ओल्ड फेमस बिल्डिंग. अभी हमने पढ़ा था ओल्ड फेमस बिल्डिंग से पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. तो इन सब चीजों से पहले क्या यूज होता है? द यूज होता है. हम जब वर्ड्स को पढ़ते हैं तब हमें ये चीज रिकॉल करनी होती है कि कहाँ ए का यूज होना है, कहाँ एन का और कहाँ द का, उसके बाद ही हम फिल करते हैं. आप अपनी बुक से इन चैप्टर्स को, इसको सबको पढ़ के और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनको लर्न करिए, और उसके बाद ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर लिखे यूजेज ऑफ ए, एन एंड द. यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स बाय यूजिंग ऑल थ्री वर्ड्स. वेयर टू यूज ए, वेयर टू यूज एन, वेयर टू यूज द. आई हैव एक्सप्लेन ऑल द थ्री वर्ड्स इन डिफरेंट टू वीडियोज. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन लिसन द वीडियो अगेन and again and try to understand the concept and write the answers in this copy.